एम्बुलेंस के लिए ऐसी जगह मिले जहाँ से वैसे ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं है, तो वहाँ ट्रैफिक में बाधा आ रही थी इसलिए वैसे जगह चेंज की गई है। और कुछ पूछना तो बताओ सर। जलियाना हॉस्पिटल के पास में बगल में एम्बुलेंस से खड़ी होती थी, वो अब ये पटेल मैदान के पास में जो जगह है यहाँ एम्बुलेंस से खड़ी होगी। और हमारे टाइगर साहब ने आदेश फरमाया कि एम्बुलेंस के लिए ऐसी जगह मिले जहाँ से वैसे ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं है, तो वहाँ ट्रैफिक में बाधा आ रही थी इसलिए वैसे जगह चेंज की गई है। और कुछ पूछना तो बताओ सर। लगभग 50 के करीब समझा इस नहीं बता दिया इनको, वैसे जगह भी दिखा दी और इनका ये काउंटर खुल जाएगा वहाँ, वहाँ काउंटर पे आदमी रहेगा वो वैसे फ़ोन करेगा, फ़ोन करते एम्बुलेंस चली जाएगी वहाँ, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ चली जाएगी और वहाँ लेकर के निकल जाएगी, वहाँ रश भी नहीं रहेगा और यातायात भी सुगम चलेगा। और कुछ बोलना तो बताओ आप सर। और कोई ट्रैफिक जाम रहता है? ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर रहेगा। और मैं शहर के सभी निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनके पास बसें हैं, जिनके पास ट्रक है, जिनके पास ट्रैक्टर है, उनके हम चालान कर रहे हैं, ई चालान कर रहे हैं। बस है, एक बस का चालान हम 5500 का कर रहे हैं और एक ट्रक हो या वैसे लोडिंग बड़ा लोडिंग वाला हो उसका भी 5500 का कर रहे हैं। तो वो अभी तो ये सोच रहे हैं, उनके पास मैसेज ही आ रहा है, जब उनका वैसे जैसे किसी का 10 हो गया, 5500 से कितने हो गए, 10×55000 हो गए, जिस दिन 55000 हो जाएंगे या 55000 के करीब हो जाएंगे उस समय हम वैसे उसको जब्त कर लेंगे, जब वो जमा कराएगा ना तभी वैसे उसको छोड़ेंगे। इसलिए वैसे जो भी नो पार्किंग में चाहे कार खड़ी कर रहे हैं, कार का हम 700 का कर रहे हैं ई चालान, अभी तो उनके पास मैसेज ही आ रहा है, जब 5, 7 या 10 चालान हो जाएंगे तब हम उस गाड़ी को जब्त कर लेंगे, जब वो चालान से छुटाएगा तभी वैसे गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शहर के सभी निवासियों से निवेदन है कि आप वैसे जो आपके पास नो पार्किंग का हो, चाहे नो एंट्री का हो, चाहे सीट बेल्ट का हो। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे SP साहब ने आदेश फरमाया कि जो बिना हेलमेट जा रहे हैं हम उसको किसी को नहीं रोक रहे हैं, हम पीछे से उनका फोटो ले रहे हैं और उनका चालान कर रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड है, 15000 हो, 20000 हो, 25000 हो, 30000 की हो, अगर हमने 10 चालान कर दिया तो 10000 उसको देने ही पड़ेंगे। इसलिए वैसे शहर के सभी निवासियों से अपील है, टू व्हीलर पर चलें तो हेलमेट लगा के चलें, नहीं तो आपके मैसेज भी आ रहा है और आपको वैसे वो सरकार को फाइन भी जमा कराने पड़ेगा।